सेवा से अवकाश ग्रहण पर एक अधिकारी जो है, अधिकारी को पेंशन जो मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद, अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद उसको जो पेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको लास्ट 36 महीने के दौरान जो भी वो सैलरी मिला था उसका, उसका औसत वेतन का आधा, 36 महीने में उसको जो भी सैलरी मिला है लास्ट 36 महीने में है ना, 36 मंथ में जो भी उसको सैलरी मिला था ठीक है, उसका एवरेज निकालेंगे 36 मंथ का, और जो एवरेज निकलेगा उसका हाफ उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा ठीक है। 30/9/1994 को ठीक है, 30 सितंबर 1994 को सैलरी 3800 था, जो कि 1 अक्टूबर 1994, 1 अक्टूबर 1995 और 1 अक्टूबर 1996 को 400 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि दे होती है, मतलब हर महीने हर साल क्या हुआ उसका सैलरी 400 रुपये बढ़ गया। 30 सितंबर के बाद उसके एक दिन बाद यह आता है 1 अक्टूबर, 3800 से उसकी सैलरी हो गई थी 4200, 400 रुपये बढ़ गया था। फिर 1995 में उसकी सैलरी 4600 हो गया था, 4200 में 400 ऐड किए थे, 4600 हो गया। फिर 1996 में फिर से 400 रुपये बढ़ गया तो 5000 उसकी सैलरी हो गई ठीक है। ये उसको 94, 95, 96 में इतने उसका इंक्रीमेंट हुआ। रिटायरमेंट लिया है वो 1 जनवरी 1997 ठीक है, इतने तारीख को क्या लिया वो, रिटायरमेंट लिया। तो उसको मैं क्वेश्चन को लिख के बता दूँ कॉपी में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, हिंदी में एकदम अच्छे से लिख रहे हम लोग। अवकाश ग्रहण मतलब होता है रिटायरमेंट लेना ना, अवकाश ग्रहण की तिथि कब है, 1 जनवरी 1997 ठीक है, 1 जनवरी 1997 से 36 माह ठीक है, 36 माह पूर्व क्या होगा, डेट हमारा होगा 1/1/1994 से ठीक है, डैश लिख सकते हैं फिर से लिख सकते हैं हिंदी में, 1/1/1994 से 31 दिसंबर 1996 ठीक है। इससे 36 महीना पहले मतलब 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1996, मतलब 1994 पूरा इसमें है, 1995 पूरा है और 1996 पूरा है, कुल मिला के कितना हो गया हमारा 36 माह कंप्लीट हो गया ठीक है। तो इतने से इतने महीने का मतलब हम लोग को इस तारीख से इस तारीख तक का सैलरी हमको वेतन जो हमको पता होना चाहिए कितना कितना था ठीक है। तो हमारा सैलरी 30 सितंबर 1994 तक ठीक है, क्वेश्चन में देखना लिखा हुआ है 30 सितंबर 1994 तक कितना था, 3800 था ठीक है। तो सैलरी हम लोग 1 जनवरी 1994 से चाहिए हमको, 1 जनवरी 1994 से 30 सितंबर 1994 तक कितना महीना हुआ, 9 महीना हुआ तक कुल 9 माह का वेतन ठीक है, कितना था उस समय, 3800 रुपये था, 3800 × 9 ठीक है, जो भी आएगा लिखेंगे उसको लास्ट में ठीक है, योग्य 9 महीने का वेतन। उसके बाद 30 सितंबर के बाद क्या हुआ, सैलरी 400 रुपये बढ़ गया था ठीक है, 1/10/1994 से वेतन में वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ, 400 बढ़ा, 3800 + 400 टोटल हो गया 4200 रुपये उसको सैलरी मिला था। ये कब तक मिला, पूरे एक साल तक, फिर 1995 में बढ़ गया था ठीक है। तो इस तारीख से 1/10/1995 से 30/9/1994 हाथ लिख ना, इस तारीख तक हम लोग ले चुके हैं अभी 9 महीने का, इसके एक दिन बाद का डेट ये है, 30/9/1994 के बाद का डेट ये आया एक दिन के बाद का ठीक है। तो 1/10/1994 से 30/9/1995 ना, तो ऐसा लिख दो 1995 तक कुल कितना महीना हुआ बता सकते हो, पूरा 12 महीना ठीक है, 1 अक्टूबर से मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अरे 30 नवंबर का पूरा 9 महीना, ये 9 और इधर 3 पूरा 12 महीने का वेतन कितना, 4200 रुपये के हिसाब से मिला था उसको, 12 जगह नहीं तो आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पर बराबर डाल के ठीक है। फिर वैसे ही सेम, अब इसके बाद 1993
30 सितंबर 1995 के बाद 30/9 के बाद उसका सैलरी फिर से बढ़ा था 400 रुपये, ठीक है। तो 1 अक्टूबर, इसके एक दिन बाद का डेट, 1995 से वेतन में वृद्धि फिर से 400 रुपये, है ना, वृद्धि हुआ, इंक्रीमेंट हुआ सैलरी में, ठीक है। कितना था, 4200 था, 4200 प्लस कितना बढ़ गया, 400 बढ़ गया, टोटल हो गया 4600 रुपये प्रति मास को सैलरी मिल रहा है इस तारीख से, है ना। तो 1/10/1995 से इसके एक साल तक, है ना, 30/9/1996 तक कुल 12 माह का वेतन, कितना होगा, 4600 × 12 जगह नहीं मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया 30/9/1996। हमको कहाँ तक का लेना था, हमको इस डेट से, देखो यहाँ लिखा है, इस डेट से 31/12/1996 तक जाना है, 31/12/1996 तक। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, 30/9/1996 तक गए हैं, अभी 3 महीने का और बचा है ना, 10वां महीना, अभी 9 महीने तक पहुँचे हैं, 10, 11, 12 महीने तक जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से सैलरी बढ़ा उसका, 1/10/1996 से फिर से वेतन में वृद्धि हुआ, वेतन में वृद्धि हो रहा है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। कितना है, 4600 था उससे पहले, तो 4600 में फिर से 400 बढ़ा, हर साल 400 बढ़ता है, तो टोटल उसकी सैलरी हो गया 5000 रुपये, ठीक है। तो अभी 1/10/1996 से कब तक, 31/12/1996 तक, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा नहीं जाना है, 1997 में जाना ही नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि हमको 31/12/1996 तक जाना था, ठीक है। तक कुल कितने महीने का हुआ, कुल 3 माह का वेतन, ठीक है। कितना है सैलरी, अभी 5000 है, 5000 के हिसाब से 3 महीने का, ठीक है। तो देखो इधर 9 महीना 12 महीना 12 महीना 3 महीना, टोटल हो गया 36 महीना, ठीक है। इसका ऐसे गुणा कर लो, इसका ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहला है 3800 × 9, है ना, 3800 × 9, ये हो गया हमारा 34,200 रुपीस, ठीक है, 34,200 रुपीस हो गया ये। फिर 4200 × 12, 50,400, फिर 46 × 12, 15,000 रुपीज़, ठीक है। टोटल इतना आ गया हमारा, इसको आप यहीं पे ऐड कर सकते हो, या फिर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में दे देते हैं, एक एक 1994 से 31/12/1996 तक कुल 36 माह का वेतन, कुल 36 माह का, ठीक है। ये ब्रैकेट में डालते हैं, पहले 9 महीने का हमारा कितना आया था, 34,200, 34,200 प्लस यह था हमारा 50,400 प्लस 55,200, 15,000 ऐड कर दो, कितना है टोटल, हो गया हमारा टोटल हो गया हमारा 154,800, ठीक है। ये तो 36 महीने का कुल सैलरी आया है, इसका 36 महीने का हमको एवरेज निकालना हो, तो ये हमारा 36 महीने का 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1996 तक कुल 36 महीने का वेतन है ना, कुल 36 महीने का वेतन है, हमको एवरेज चाहिए 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1996 तक 36 माह का औसत वेतन चाहिए, ठीक है, औसत वेतन 36 महीने का औसत वेतन, मतलब 154,800 को 36 से आप डिवाइड कर दो,
36 से तो आ जाएगा हमारा 4300 रुपीस आ जाएगा हमारा औसत वेतन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद उसको पेंशन क्या मिलेगा, मासिक पेंशन बोला है औसत वेतन का हाफ है ना, मासिक पेंशन सॉरी पेंशन जो है हमारा 4300 का हाफ, आधा जो भी है इसका निकाल दो आ जाएगा 2150, ये हमारा आंसर। ठीक है।